हेलो दोस्तों, मैं आपको आज वाल्टी स्टूडियो के बारे में बताने वाला हूँ कि आप कैसे वाल्टी स्टूडियो को ओपन करके और मतलब ओपन करने में क्या प्रॉब्लम आ सकती है हमको आगे चल के। तो दोस्तों, बार बार जैसे हम बार बार अपने वाल्टी स्टूडियो को ओपन करते हैं तो हमको बहुत प्रॉब्लम मतलब आने की उम्मीद है। तो दोस्तों, मैं आपको आज ये वीडियो में पूरी डिटेल बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने वाल्टी स्टूडियो बार बार ओपन करने से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको यही बताने वाला हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पे, आज मैं आपको लेके चलूंगा अपने मोबाइल स्क्रीन पे और मैं दिखाऊंगा कि आप बार बार ओपन करके वाल्टी स्टूडियो में प्रॉब्लम है या नहीं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपनी स्क्रीन पे और मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ कि बार बार वाल्टी स्टूडियो एप्लीकेशन जो है हम उसको बार बार ओपन करेंगे तो हमको क्या दिक्कत आएगी। तो दोस्तों, मैं यही बताने वाला था आपको। तो दोस्तों, हम वाल्टी स्टूडियो जो है उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, मगर बट प्रॉब्लम है दोस्तों, हमको दिक्कत आ सकती है मोनेटाइज करने में। जब हम मोनेटाइज के लिए हमारा चैनल जाएगा तो हमको बार बार वाल्टी स्टूडियो ओपन करने से हमको दिक्कत है। तो जैसे न्यू क्रिएटर है, मतलब न्यू चैनल वाले हैं, जिसका भी नया चैनल है, वो बार बार अगर वाल्टी स्टूडियो को ओपन करते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है मोनेटाइज के लिए। और बाकी जैसे मोनेटाइज के लिए हम भेज रहे हैं चैनल अपना, तो हमको प्रॉब्लम आ सकती है न्यू क्रिएटर। अब बड़े बड़े यूट्यूबर क्या करते हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं, किसी को नहीं बताते दोस्तों। तो मैं आपको आज ये वीडियो के अंत तक यही बताने वाला हूँ दोस्तों, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और मैं आपको ये पूरी आज इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए ठीक है, मैं अपने होम स्क्रीन पे आ गया हूँ और मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे अपने वाईटी स्टूडियो को ओपन करके आपको दिक्कत आ सकती है या नहीं आ सकती। मैं इसी वीडियो में आपके सामने आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, बताऊंगा भी। तो दोस्तों, जैसे हमको वाईटी स्टूडियो ऐप जो है, हमारा एप्लीकेशन है, उसको हम ओपन करेंगे, दिन भर में 40-50 बार भी ओपन करेंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली दोस्तों। बट हमको प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है दोस्तों, जो हमारा क्रोम ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर पे हम जाएंगे तो हमको ओपन कर, जैसे क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया हमने, ये देखें मैं अपने स्क्रीन पे आ गया हूँ और क्रोम ब्राउजर में ओपन कर लिया हूँ। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि हम इस पे सर्च करते हैं वाईटी स्टूडियो एप्लीकेशन। तो दोस्तों, वाईटी स्टूडियो एप्लीकेशन जब सर्च करेंगे तो हमको वाईटी स्टूडियो का पूरा बायोडाटा मिल जाता है, हमारे जो चैनल होता है उसका पूरा बायोडाटा इसके मिल जाता है इस पे। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे कि अभी हम अपने क्रोम ब्राउजर पे आ गए हैं और हम स्टूडियो को ओपन कर लिए हैं। तो दोस्तों, अब अभी यहाँ पे जैसे स्टूडियो को हम ओपन कर लिए हैं और हम क्या करेंगे कि पूरा एक बार हम ओपन करेंगे और उसके बाद फिर हम वो करके इसको छोड़ देंगे। छोड़ दिए दोस्तों, फिर हम क्या करेंगे आगे चल के, फिर हमको फिर ओपन करना, कि मतलब बार बार हम ओपन करेंगे अगर अपने इसके क्रोम ब्राउजर से तो हमको बहुत प्रॉब्लम आने वाली दोस्तों। और हम एप्लीकेशन वाईटी स्टूडियो जो एप्लीकेशन है उसको हम बार बार दिन भर में अगर 40-50 बार 100 बार भी अगर हम ओपन करेंगे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली दोस्तों। बट यही है प्रॉब्लम कि हम क्रोम ब्राउजर से बार बार ओपन नहीं करेंगे और दोस्तों इससे हमको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि न्यू क्रिएटर जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। और बाकी जैसे कि जैसे अभी मतलब जैसे चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है और हम क्रोम पे अपना बार बार वाईटी स्टूडियो ओपन करते हैं दोस्तों, तो हमको यही प्रॉब्लम आ सकती है आगे चल के कि हमारा जो वाईटी स्टूडियो जो क्रोम पे हम खोलते हैं तो उसमें हमको काफी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो बट कभी जब हमारा पूरा 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम जब हमारा कंप्लीट होता है तभी हम चैनल को मोनेटाइज के लिए भेजते हैं। चैनल को मोनेटाइज के लिए हम भेजते हैं तो हमारा उसमें मतलब कभी दूसरा कोई प्रॉब्लम बता देता है, कभी मोनेटाइज के लिए नहीं लेता है, तो कभी कुछ कर देता है। तो दोस्तों, यही सब प्रॉब्लम है कि आप अपने वाईटी स्टूडियो को क्रोम पे बहुत कम ही यूज, मतलब बहुत कम खोलें। तो दोस्तों, चलिए ठीक है। और दोस्तों, आप वाईटी स्टूडियो पे सेटिंग जानना चाहते हैं तो मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और उसको आप जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं इसी से आपको सबको धन्यवाद। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।